ये जनपद प्रयागराज में थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के अंतर्गत में एक लूट कारित हुई थी, जिसमें इस केस को वर्कआउट करने में जब यहाँ की टीम्स जुटी तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ICCC जो बनाया गया है और ऑपरेशन त्रिनेत्र में जो जगह जगह कैमरे लगाए गए, इन कैमरे और ICCC के कैमरों की मदद से इसमें बहुत महत्वपूर्ण लीड्स मिलती गईं। ICCC के कैमरों के थ्रू ये ट्रेस किया गया कि ये लोग पहले जनपद वाराणसी में ठहरे थे, उसके उपरांत इन्होंने यहाँ की लूट कारित की, इसके बाद ये लखनऊ की तरफ चले गए और जनपद सीतापुर पुलिस से कोऑर्डिनेशन में ये पता लगा बाद में कि इनके द्वारा जनपद सीतापुर में भी एक लूट कारित की गई थी। इसी में कल एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ कि पता चला कि मुखबिर के द्वारा कि इधर की तरफ पुनः इनका मूवमेंट है, उस मूवमेंट पे यहाँ की पुलिस के द्वारा 4 अभियुक्तों को मुठभेड़ के साथ अरेस्ट किया गया। इस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त ऐसे हैं जिनके पैर में चोट लगी है, गोली लगी है इनके पैर में, और साथ में इनकी अरेस्टिंग से महत्वपूर्ण जानकारी ये प्राप्त हुई कि जनपद सीतापुर में जो कारित लूट है उसमें ये लोग सम्मिलित थे, हमारे यहाँ की जो लूट हुई है उसमें ये लोग सम्मिलित थे और पूर्व में भी एक लूट में इनमें से कुछ अभियुक्त सम्मिलित रहे हैं, कुछ अभियुक्त इनके एक्स्ट्रा थे। ये लोग जनपद कटिहार बिहार से वास्ता रखते हैं और कटिहार गैंग के नाम से ये गैंग फेमस है। इसका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये कहीं भी जाते हैं, एक अपनी मोटरसाइकिल्स जो चोरी की हैं, एक वेस्ट बंगाल नंबर की, एक बिहार नंबर की, इसको किसी बड़ी पार्किंग में ये लोग खड़ा कर देते हैं और फिर किसी आसपास के होटल में ठहर जाते हैं, वहाँ से चेकआउट करके निकलते हैं और चेकआउट करके निकलने के बाद घटना कारित करने का प्रयास करते हैं। अगर घटना कारित नहीं कर पाए तो पुनः किसी नए होटल में जाके ठहर जाते हैं, गाड़ी फिर से किसी पार्किंग में खड़ा करके। अगर घटना हो जाती है तो ये उस स्थान को छोड़ देते हैं, जो प्री एक्टिवेटेड सिम्स लाते हैं और मोबाइल वहीं से ख़रीदते हैं उसको वहीं पर डिस्कार्ड करके ये अन्य किसी जनपद के लिए मूव कर जाते हैं। इनके पास से बहुत बड़े अमाउंट में रिकवरी हमारे पुलिस के द्वारा की गई है, कैश में 8,35,000 रुपये इनके पास से मिले हैं और पुरानी लूट का पैसा इन्होंने 2 बैंक्स में जमा कराया था जो 6,30,000 रुपये के आसपास है, वो अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए हैं पुलिस के द्वारा और उनका पैसा भी जो विक्टिम्स हैं उन तक पहुँचाया जाएगा। इनके पास से और कई चीज़ें मिली हैं जिसमें खुजली पाउडर है, मिर्ची का पाउडर है, सिम्स हैं, आधार कार्ड हैं जो फर्जी बना के ये लोग रखते हैं, RC है जो फर्जी बनाते हैं, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी RC, इनका प्रयोग ठहरने के लिए, गाड़ी ये सिम खरीदने के लिए और साथ ही साथ में कोई मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए लोग प्रयोग करते हैं और ये गैंग मूव करता रहता है, इसलिए इसको पकड़ना अगर नॉर्मल पुलिसिंग मेथड से पकड़ा जाता तो बहुत टाइम लगता, लेकिन ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो कैमरे लगे हैं और ICCC के जो कैमरे हैं इसकी वजह से बहुत जल्दी इन्हें पकड़ने में पुलिस के द्वारा सफलता मिली है, पुलिस को ये सफलता मिली है और कैमरों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन लोगों ने अब तक 3-4 स्टेट्स में लूट कारित की है जो इन्होंने बताया है, इन्हें पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेके इनसे और गहन पूछताछ की जाएगी। आज क्योंकि सुबह ही ये पकड़े गए हैं और आज इनको रिमांड पे जा रहे हैं तो PCR पे लेके इनके संग और पूछताछ की जाएगी। इनकी उम्र जो है 25 से 30 साल के बीच में है और इन 4 अभियुक्तों में से 2 सगे भाई हैं, लेकिन ये अलग अलग ग्रुप में मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। लूट करने के बाद 2 तरीक़ों से ये अपना पैसा शिफ्ट करते हैं अपने जो इनके घर का क्षेत्र है, या तो बैंक में पैसा जमा करा के शिफ्ट कर देते हैं और या फिर जब पैसा कैश में इकट्ठा हो जाता है तो किसी ट्रेन या बस के माध्यम से ये बैठ के जाते हैं, वहाँ पैसा अपना लेके एक आदमी चला जाता है और वहाँ से इमीडिएटली एक और आदमी चल देता है जो इनके गैंग में उसके बदले काम करता रहता है। पुलिस टीम को इस बहुत अच्छा गुडवर्क करने के लिए 50,000 रुपये के नकद पुरस्कार से जो है उनको इनाम दिया गया है।